नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल कंप्यूटर हेल्प पे स्वागत है। मेरा नाम है राहुल कुमार और हमारी जो क्लासेस चल रही थी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की, जो बेसिक नॉलेज में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के मुख्य भाग या घटक, उनमें हमने सर्वप्रथम शुरुआत की थी इनपुट डिवाइस, जिसमें हमने पहला ही उदाहरण लिया था इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम जानेंगे माउस के बारे में, इसका पूरा अध्ययन आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हमें जानते हैं कि माउस के निर्माता कौन है और उन्होंने कब माउस का आविष्कार किया वो बात। तो जो माउस के निर्माता है उनका नाम है डॉक्टर डगलस इलेसवर्ड ने सन 1964 में प्रथम बार माउस का आविष्कार किया था। इनको माउस का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर डगलस इलेसवर्ड ने 1964 में माउस का प्रथम निर्माण किया था। आइए इसके पश्चात हम जानते हैं कि माउस की संरचना किस प्रकार की होती है। दोस्तों माउस की संरचना देखो ऐसी होती है, ये माउस की ऊपरी सतह का मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है समझने के लिए। ये माउस का ऊपरी चित्र है, हम इस पर इस प्रकार से हाथ रखते हैं। इस माउस की ऊपरी सतह पर तीन बटन होते हैं, तीन, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेफ्ट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक होता है। दूसरा बटन है राइट क्लिक और तीसरा जो बीच में होता है गोल गोल इस प्रकार से रिंग में होता है सर्किल, उसे बोलते हैं स्क्रॉलिंग बटन या क्लिक बोलते हैं। इनका जो कार्य है वो, जैसे लेफ्ट क्लिक की बात करें तो इनका उसका मुख्य कार्य होता है किसी फाइल को ओपन करना हो तो हम उस पर डबल क्लिक प्रेस करते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाती है। इसी प्रकार राइट क्लिक कंप्यूटर में रिफ्रेश करना हो, किसी को डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाना हो या इस प्रकार के अन्य कार्य करवाना हो तो हम राइट क्लिक का यूजिंग करते हैं। और जो स्क्रॉलिंग होता है वो, जैसे आपकी स्क्रीन पर कोई मौजूदा प्रोग्राम, कोई डॉक्यूमेंट या किसी अन्य प्रकार की कोई वेबसाइट खोल रखी है, उस प्रोग्राम में जो पेज खुला हुआ है अपने पास उसको ऊपर यानी कि अप और डाउन में करने के लिए हम स्क्रॉलिंग, ये जो बटन होता है स्क्रॉलिंग, इसका यूज हम करते हैं। ये हुई है माउस की संरचना। तो माउस के निर्माता होने के पश्चात इसकी संरचना भी हमने यहाँ जान ली है। आप जानते हैं कि माउस का पूरा नाम क्या होता है, तो चलिए आइए हम जानते हैं माउस का पूरा नाम। मैंने यहाँ इसको आसानी से लिखा हुआ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। अगर आप इसको नोटबुक में नोट करना चाहें तो एक बार वीडियो यहीं पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो इसका पूरा नाम हम जानते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पहला ही कैरेक्टर लिया है एम, माउस का शुरुआत करते हैं तो एम ओ यू एस ही होता है, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो शुरुआत की है हमने एम की। एम का यहाँ पूरा नाम होता है मैन्युअली, मैन्युअली का अर्थ होता है हिंदी में मैंने दिया हुआ आगे हाथ से, यानी कि जो माउस होता है उससे हम हाथ से ही ऑपरेट करते हैं और हाथ से ही माउस को ऑपरेट करने के पश्चात हम सीपीयू तक निर्देश यानी कि इनपुट करने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास कैरेक्टर आता है ओ, ओ का होता है ऑपरेटेड यूटिलिटी यानी कि संचालित उपयोगिता, यानी कि जो माउस को यूज कर रहा है उसमें संचालित उपयोगिता होने का बिल्कुल आवश्यक होती है। इसी प्रकार से तीसरा कैरेक्टर अपने पास आता है यू, यू का होगा यूजफुल यानी कि उपयोग के लिए। और फिर अपने पास चौथा आता है एस, एस का होता है सिलेक्टिंग यानी कि चेंज करना, माउस के द्वारा हम फाइल फोल्डर या किसी अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो हम माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें अंतिम अपने पास आता है ई, ई का होगा इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स इसका अर्थ होता है उपकरण, यानी कि ये माउस के मुख्य जो पूरा नाम है उसमें मैंने ये अक्षर लिखे हुए हैं, इनके बारे में हमने पूरा अध्ययन किया है, जिसका एम का मैन्युअली यानी हाथ से, ओ का ऑपरेटेड यानी संचालित उपयोगिता, यू का होगा यूजफुल यानी उपयोग के लिए, एस एन सिलेक्टिंग यानी चेन, और ई यानी कि इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण। ये कुछ मुख्य बातें थी माउस के बारे में। इससे आगे हम आगे जानते हैं कि माउस में कौन कौन से बटन होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है। आइए आगे इसमें जाने माउस के बारे में। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और यह है मॉनिटर यानी जो अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उस पर नजर आने वाले पॉइंटर। देखो जब भी आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखोगे तो माउस का पॉइंटर आपको इस प्रकार से एक छोटा सा तीर की तरह मिलेगा, इस प्रकार से
इसे माउस ग्राइंडर कहा जाता है। और जो माउस का मुख्य कार्य होता है उसको नियंत्रण करने का कार्य होता है, यानी कि यूजर जिस प्रकार से माउस को इधर या उधर हिलाता है उसी डायरेक्शन में ये जो माउस पॉइंटर है वो स्क्रीन पर हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। तो माउस का मुख्य कार्य यही होता है कि इस माउस पॉइंटर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। आइए माउस की कुछ मुख्य क्रियाएं हैं उनके बारे में हम और जानते हैं। माउस की मुख्य क्रियाएं, इसमें सबसे पहले हमने ली है पॉइंटिंग, यानी कि पॉइंटिंग। आप भी जानते हो कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये किसी फाइल या फोल्डर ओपन करना हो तो उस पर पॉइंट करता है। तो इसी प्रकार से इसमें हम जानते हैं पॉइंटिंग, जब हम माउस को इधर उधर खिसकाकर माउस पॉइंटर को अपने डेस्कटॉप की किसी आइकन पर लाते हैं, जैसे अपने पास ये मान लो अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन है और इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमारे पास जैसे यहाँ पर माई कंप्यूटर का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर रिसाइकल बिन का बना हुआ है, यहाँ पर जैसे एमएस पेंट का बना हुआ है या नोटपैड का बना हुआ है, ये हमारे पास चार जैसे आइकन है। इन आइकनों को जैसे हमें मान लो ये पेंट वाला आइकन हमें ओपन करना है ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माउस से ड्रैग करके यानी कि इधर उधर खिसकाएंगे और खिसका कर जो माउस पॉइंटर वो हम इस पर लेके आएंगे। जैसे इस पर लेके आएंगे, लेने के पश्चात हम उस पर क्लिक करते हैं, यानी कि जो जो पॉइंटर होता है उसको यहाँ तक पहुँचाने का जो कार्य होता है उसे हम पॉइंट करना कहते हैं। यानी कि आप माउस से इधर उधर खिसका कर यहाँ पेंट तक इस पेंट के ऊपर अपना जो माउस पॉइंटर है वो वहाँ लेकर आते हो, उस स्थान को हम क्या कहेंगे, पॉइंटिंग कहेंगे। ये कार्य होता है पॉइंटिंग का। इसके पश्चात दूसरा होता है क्लिकिंग। आप माउस को ड्रैग करके उस स्थान उस फाइल या फोल्डर पर लेके तो चले गए आइकन पर, अब उसको क्लिकिंग कैसे करना है उसके बारे में हम जानते हैं। जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम, कोई भी आइकन हो या कोई प्रोग्राम हो, उस माउस के बाएं बटन यानी जो लेफ्ट बटन होता है को दबाकर छोड़ देते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्लिक करना। जैसे मैंने अभी बताया वो एमएस पेंट आपको ओपन करना है तो आप माउस से ड्रैग करके यानी इधर उधर खिसका के इसके ऊपर लेके आए, फिर जैसे बाएं बटन से इस पर क्लिक करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लिकिंग करना या क्लिक कर दो। तो ये क्रिया होती है क्लिकिंग की। इसके पश्चात नेक्स्ट, माउस की मुख्य क्रियाओं में पॉइंटिंग और क्लिकिंग के पश्चात अपने पास तीसरे नंबर पर आता है डबल क्लिकिंग। इसके बारे में हम जानते हैं, जब हम माउस के बाएं बटन से जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को हम डबल क्लिक करना कहते हैं। यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर किसी आइकन या फाइल फोल्डर पर आप माउस को ड्रैग करने का पॉइंट होता है, उस पर जाकर अगर आप माउस के बाएं बटन नहीं तो लेफ्ट बटन होता है उससे आप जल्दी जल्दी दो बार प्रेस कर देते हो यानी कि क्लिक करते हो, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, डबल क्लिकिंग। जैसे आप डबल क्लिकिंग करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसके पश्चात चौथे नंबर पर आती है राइट क्लिकिंग। इसके बारे में भी हम जानते हैं, जब माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम पर लाकर माउस के दाएं बटन को क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को राइट क्लिक करना कहा जाता है। इसका मुख्य तात्पर्य यही है कि कोई भी फाइल फोल्डर आइकन प्रोग्राम हो उस पर अगर आप राइट क्लिक यानी जो दायां बटन होता है उसे हम राइट क्लिक बोलते हैं, उस पर आप क्लिक करते हो तो उसमें एक लिस्ट ओपन होती है और उस कार्य को क्या कहा जाता है, राइट क्लिकिंग करना कहा जाता है। तो ये होगा राइट क्लिकिंग। अगर आप डेस्कटॉप पर सीधा क्लिक करते हो तो हम माउस से तो हम जो डेस्कटॉप आइकन है उनको आकार छोटा बड़ा करना है, उनको सॉर्ट करना है, ए टू जेड करना है या रिफ्रेशिंग करना है, कोई फोल्डर बनाना हो या बैकग्राउंड बदलना हो, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो माउस के हम राइट क्लिकिंग कार्य से कर सकते हैं। उसके पश्चात अपने पास आता है ड्रैगिंग। इसके बारे में हम जानते हैं, जब माउस पॉइंटर को किसी आइकन पर लाकर माउस के बाएं बटन को दबाए रखकर यानी दबाकर पकड़ कर लेते हैं और उस बटन को दबाए रखकर माउस पॉइंटर को इधर उधर सरकाते हैं तो इस क्रिया को खींचना या ड्रैग करना कहा जाता है। इसका मुख्य तात्पर्य यही है कि अगर आपको किसी फोल्डर में या जो फाइलें बनी हुई हैं उनको सेलेक्ट करना हो यानी तो आप उस पर माउस से ऐसा क्लिक करने के पश्चात उसको जैसे आप ड्रैग करोगे तो उसको खींचना या ड्रैग करना इस क्रिया को कहते हैं और इससे वो फाइल या फोल्डर सेलेक्ट हो जाते हैं। ये कार्य आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर भी कर सकते हो।
दोस्तों इसी के साथ आज की जो अपनी क्लास है माउस वो यही कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।